3, 2, 1, go. जो प्लास्टिक फैलाएगा हम उसकी ब्रेन बना देंगे. ये हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है विशाल और हम आए हुए हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन और हमारे साथ है यहाँ पे दिल्ली का सबसे बड़ा वेला रॉकी, मुझे कहते हैं velapanti.com, करता हूँ सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर, बजाते रहो पे. और अभी हम आए हुए हैं हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, इनकी एक मुहिम चल रही है, सर बताएंगे. एक्चुअली हम लोग यहाँ रेलवे स्टेशन पर आने का मकसद ये है, जो लोग टूरिस्ट जो हैं जो यहाँ से ट्रैवल करके हिल स्टेशन पर जाते हैं, अपने साथ प्लास्टिक की बोतल प्लास्टिक की पन्नियाँ लेकर जाते हैं, वहाँ पे फैला के आ जाते हैं. तो हमारा मकसद है उनको ये समझाने का कि इस बार सेफ के साथ साथ साफ जर्नी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्लास्टिक जो है बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन फैलाता है. तो हम रेड एफ एम वाले यहाँ पर निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे लोगों को यही समझा रहे हैं, प्लास्टिक नहीं फैलाना है और जो प्लास्टिक फैलाएगा उसकी रेल बना देंगे. रेल तो बना ही देंगे, काफ़ी अच्छी रेल बना रहे हैं. सर कितने दिन से चल रही है मुहिम? ये काफ़ी दिनों से चल रही है. एक्चुअली एनवायरनमेंट डे से भी पहले कुछ दिनों से चल रही है, लगभग 15 दिनों से हम लोग जो हैं इस मुहिम को छेड़े हुए हैं और लोग बाग आ रहे हैं स्टेशन पर, हमारे स्टूडियोज़ पर, वहाँ पर आकर प्लेज ले रहे हैं कि वो भी सेफ के साथ साथ साफ जर्नी करेंगे. तो काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट निकाला है. अभी यहाँ पे एक हैशटैग आ रहा है, हैव साफ जर्नी. साफ जर्नी हैशटैग यूज़ कीजिए आप लोग भी और अपलोड कीजिए अपने इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे, सारी जगह पे ऐसी अपनी फोटोज जहाँ पे आप दिखा रहे हो कि आपने कुछ इसमें कंट्रीब्यूट किया. राइट, बिल्कुल बिल्कुल. और अभी हम चलते हैं अंदर इनके स्टूडियो पे और आपको वहाँ पे एक छोटा सा दिखाएंगे, हमने प्लेज लिया है. चलो जो प्लास्टिक फैलाता है वो नजर आएगा, हम उसकी रेल यहाँ पर बनाने वाले हैं. और काफी बंदे दिख रहे हैं मेरे को, तो रेल बनने वाली है. तो एक्चुअली खुद ब खुद लोग बाग आकर अपने आप ही यहाँ पर प्लेज ले रहे हैं, हम लोगों के साथ में जुड़ रहे हैं. लोग बाग खुद जो है पढ़े लिखे हैं, वो अवेयर हो रहे हैं अपने आप ही और बाकी लोगों को भी समझा रहे हैं. तो गर्मी कैसी है यहाँ पे आज? गर्मी बहुत ज्यादा है, गर्म गर्म हवाएं जो है वो चल रही है और हमारे पसीने छूट रहे हैं, बट तब भी देख लो यार कितने मतलब मेहनत कर रहे हैं अच्छे काम करने के लिए. आप लोग भी किया करो थोड़े बहुत, है ना. एक्चुअली अच्छा काम बहुत ज़रूरी है अब ये करना, क्योंकि प्लास्टिक जो है बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन फैलाता है और एक प्लास्टिक को डिकम्पोज होने में जो बॉटल्स हम यूज़ करते हैं 400 से 1000 साल तक लग जाते हैं. सो आर प्लान इज़ कि प्लास्टिक का यूज़ कम से कम किया जाए ताकि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो पॉल्यूशन फ्री हो पाए. ओके, तो चलिए इनके स्टूडियो पहुँच गया और एक बार आपको बाहर से इनका स्टूडियो दिखाते हैं, फिर चलते हैं अंदर. सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर मैं हूं रॉकी, दिल्ली का सबसे बड़ा वेला velapanti.com. आज हम कर रहे हैं हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, जो प्लास्टिक फैलाते हैं हम उनके रेल बना देते हैं और यहां पर लोगों को हम बता रहे हैं कि सेफ के साथ साथ साफ जर्नी भी करें. लेकिन और ये कमाल का एक शख्स मेरे पास यहां पर आ गया है, इसका नाम है VBO Vlogs, नाम है विशाल. VBO Vlogs के नाम से ये जाना जाता है, नाम इनका विशाल है. वैसे वीडियो स्टूडियो बनाते हो तुम बहुत सारे, यूट्यूब पे डालते हो. लास्ट टाइम भी मिले थे आपको एम्बियंस मॉल में, आपको याद होगा. तो मुझसे पहले इनकी मुलाकात है, आज फिर से मुझे मिलते हुए यहाँ पर पहुँच गए हैं. हमारा शो स्टूडियो जो है वो यहाँ से हो रहा है. व्हाट यू थिंक, ये जो हमारी मुहिम है साफ जर्नी और जो प्लास्टिक फैलाता है हम उसकी रेल बनाने की बात कर रहे हैं, व्हाट यू थिंक अबाउट इट? ये बहुत ही अच्छी मुहिम आप लोगों ने चलाई है, बिकॉज हमारे को अवेयरनेस करना है बंदों को, क्योंकि अभी भी देखिए बंदे हर जगह प्लास्टिक फेंकते रहते हैं तो वो डिकम्पोज नहीं होता एंड काफ़ी प्रॉब्लम आती है उसको सेटल होने में. तो इसके लिए जो आपने मुहिम चलाई है इट्स वेरी गुड. और प्लास्टिक बोटल्स आप सीधा ही बोल रहे हैं हटा दीजिए और हैव अ साफ जर्नी, जो आपने कॉन्सेप्ट निकाला हैशटैग, मुझे बहुत ही अच्छा लगा है और सीरियसली मैं खुद भी यूज़ करने वाला हूँ इसको बहुत ही जल्दी. और यहाँ पर ये जो विशाल यहाँ पर पहुँचे हैं, वीडियो हमारे साथ बना रहे हैं और ये वीडियो इनके यूट्यूब चैनल पर अपलोड होने वाला है. बहुत ही फन लविंग बॉय हैं ये, बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ जो हैं ये बना बना के डालते रहते हैं. सो यू ऑल्सो कैन फॉलो VBO Vlogs ऑन यूट्यूब. और जो प्लास्टिक फैलाएगा उसको क्या कहते हैं आप? हम उसकी रेल बना देंगे. उसकी रेल बना देंगे. तो मैं हूँ रॉकी, दिल्ली का सबसे बड़ा वेला, सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर, बजाते रहो. थैंक यू. ओके, तो
इस वीडियो में इतना ही सर, कैसा लगा? बहुत ही बढ़िया मुझे तो लगा है। तुम वीडियो कैसा बनाओगे, वीडियो देख के लगेगा? लगेगा कहाँ ये बताओ, ये लगेगा दिल पे सीधा। अगर खराब बना तो नहीं, नहीं और अगर अच्छा बना तो भी दिल पे ही लगेगा। सर स्मार्ट बंदूक की कभी भी चीज खराब नहीं बनती, ये बात तो सही है। मेरी मैं वही सोच रहा था अपने बारे में कैसे कर रहा नहीं अभी वैसे सच्ची बताओ, अपनी तारीफ खुद कर लेनी चाहिए, पता है क्यों? दुनिया करती नहीं, क्योंकि बेइज्जती हमारे रिश्तेदार करते रहते हैं, दुनिया ही करती रहती है। और एक यूट्यूबर होके हमारे को पता है कि कितनी गालियां पड़ती है कमेंट सेक्शन में कभी बार, तो चलता है, इसलिए अपनी तारीफ खुद ही कर लेनी चाहिए। और हमने यहाँ पे अभी आपको एक दो और इंटरव्यू दिखाने वाले हैं, काफी मजा कर रहे हैं यहाँ पे। अगर आपकी किस्मत अच्छी होती तो नेक्स्ट टाइम कहीं पे भी मुहिम चलाएं, रेडियो पे पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं, आइए वहाँ पे जाइए, इनके साथ इंटरेक्ट कीजिए, बहुत मजा आएगा, बहुत ही मस्त बंदे हैं। आज हम यहाँ पर किस लिए आए हैं, मैं बता दूँ आपको कि ये दोनों की दोनों जो है नोएडा से स्पेशली हमसे मिलने के लिए, रेड एफएम से मिलने के लिए रेड एफएम स्टूडियो में आई हैं, स्पेशली आई हैं। यस मम्मा को बहुत परेशान किया आपने। हाँ। मम्मा ने क्या कहा पहले? मम्मा ने कहा कि अगर तुम लोगों को इतना करना है तो लेट्स गो, लेकिन अगर तुम लोगों को इस बार नहीं मिला देन आई एम नॉट गोइंग अगेन। ओके लेट मी टेल यू, ये इन्होंने बहुत कोशिश की हमें ढूंढने की, दिल्ली से आए ये लोग और गाजियाबाद भी पहुंचे, लेकिन फाइनली हमसे नहीं आती, उनसे मुलाकात नहीं है। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस साफ जर्नी और जो प्लास्टिक फैलाएगा उसकी हम रेल बना देंगे? प्लास्टिक शुड नॉट बी यूज एनीवेयर। हम लोग हमेशा क्या करते हैं, वी डू नॉट यूज प्लास्टिक बैग्स एट ऑल। कोई भी शॉप पे जाते हैं यूज टेक अ क्लॉथ बैग्स विद अस। प्लास्टिक की बॉटल इज अ बैन इन आवर हाउस, नथिंग, कुछ इतना सा भी प्लास्टिक नहीं मिलेगा आपको हमारे घर में, बिल्कुल नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। एंड जब भी व्हेनेवर वी गो टू एनी पार्क और वी सी एनीवन थ्रोइंग प्लास्टिक डाउन, वी मेक श्योर दैट वी पिक इट अप। वाओ वाओ, व्हाट डू यू थिंक? I think it's important to not use plastic. We should stop using plastic. And I really like the way Mitti ke bottles. Okay. I've never seen one like those. Okay, then this is for you. Thank you so much. How's it? कैसी बोतल है? कि जो प्लास्टिक फैलाएगा हम उसकी रेल बना देंगे, कि जो प्लास्टिक फैलाएगा हम उसकी रेल बना देंगे, और सेफ के साथ साथ साफ जर्नी करेंगे, और सेफ के साथ साथ साफ जर्नी करेंगे। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। थैंक यू 2 3 2 1 गो। जो प्लास्टिक फैलाएगा हम उसकी रेल बना देंगे। तो प्लेज हमने जैसे ले ही लिया और यहाँ पे एक बॉटल गिफ्ट कर रहे हैं। थैंक यू। ये मिट्टी की बोतल है, क्ले बोतल है, इससे पोल्यूशन नहीं होगा। अरे वेरी गुड, थैंक यू सो मच। तो इस वीडियो में इतना ही, मैंने आपको दिखाया कैसे हमने प्लेज लिया यहाँ पे मिस्टर वेले के साथ, एंड अभी हम चलते हैं यहाँ से। तो सर कैसा लगा आपको? वेला वेला के नी तू यारा नू यार, कॉपीराइट आ जाता है, गाने ना गाओ आप प्लीज, खुद के गाने भी आ जाता है आपका, नहीं है ना? अच्छा ये तो दिलजीत का है, अभी आप अपना गाना गाए जा रहे हो। और आरजे वेला रॉकी को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट पे ढूंढो। बाय बाय। ये और ये वीडियो को देखना ना भूलिएगा, यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और यहाँ से मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा। बाय बाय।